अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरकेजे। मैं अल्लाह के करम से फिट फाट और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोग भी फिट फाट होंगे। अच्छा, मॉर्निंग का आगाज़ एज यूजुअल अल्लाह का बड़ा करम है, हमारा अच्छा हुआ है। हालांकि बारिश की वजह से जो रोड्स की कंडीशन है, जिम आते आते ना मूड अच्छे से बुरा हो जाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, चलें, इनकी मेहरबानी है कि हम कराची में जिंदा तो हैं। अच्छा जी, आज हमारा जो वर्कआउट है वो चेस्ट का है और चेस्ट हम इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त किस्म का आज हम ट्रेन करेंगे, चेस्ट की रूटीन भी चेंज करेंगे और चेस्ट को आज हम इनर से सपोर्ट देंगे, इनर पे आज हमारा फोकस होगा। तो ये आपने देखना है, इसका एंगल हम चेंज करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया है कि एक्सरसाइज वही रहती हैं, यानी कि बेंच प्रेस वही रहेगा, इंक्लाइंड वही रहेगा, डिक्लाइंड वही रहेगा, लेकिन क्या होता है कि इसका एक कॉम्बो बनाना होता है कि आज आपने रूटीन क्या करनी है, उसको फोकस करना है, यही असल चीज है बॉडी बिल्डिंग में। तो आए स्टार्ट करते हैं चेस्ट का वर्कआउट। अच्छा व्यूअर्स, फर्स्ट जो हमारा सेट है जो हम चेस्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, ये है इंक्लाइंड डंबल प्रेस। अच्छा, इंक्लाइंड डंबल प्रेस में मैं आपको बताता हूँ, जो इंक्लाइंड आपने रखना है ना, ये आपने रखना है 20 डिग्री से 25 डिग्री तक या मैक्सिमम 30 डिग्री तक। 30 डिग्री से आपने ऊपर नहीं जाना, क्योंकि अगर आप 30 डिग्री से आप ऊपर जाते हैं तो इसका जो मसल्स आपका एक्टिव होगा आपके चेस्ट के साथ साथ वो शोल्डर का भी हो जाएगा। तो हमें मेन जो जिस चीज़ को फोकस करना है वो अपर चेस्ट को करना है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके हमारे 4 सेट्स हैं, रेप्स हैं 12 to 15। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेंच प्रेस है। बेंच प्रेस हम करेंगे। अच्छा, बेंच प्रेस में आपने एक चीज़ देखनी है कि इसे बहुत ज़्यादा आप ना वाइंड पकड़ेंगे ना बहुत क्लोज 90 डिग्री पे पकड़ेंगे, और 90 डिग्री तक ही आपका हाथ आएगा और जैसे ही आपके चेस्ट को रॉड टच करती है आप फौरन उसे पुश करेंगे, लेकिन आप हाथ को लॉक नहीं करेंगे। इस तरह से आपने इस तरह से पोजीशन देनी है और उसके बाद आप वापस लाएंगे, देन फिर आप पुश करेंगे। इसके हमारे 3 सेट्स हैं और रेप्स हैं 8 to 12, 8 से 12 रेप्स हैं। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन डंबल फ्लाई है। इसके हमारे 3 सेट्स हैं, रेप्स हैं 12 to 15। अच्छा जी, ये आपने गौर से देखना, हम जिस तरह परफॉर्म करेंगे आपने बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म करना है। लोग इसमें मिस्टेक करते हैं कि डंबल्स को अपने से बहुत दूर ले जाते हैं या बहुत क्लोज ले आते हैं, इस तरह नहीं करना। हम आपको बताएंगे, ना ही डंबल बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा, 90 डिग्री से हम इसे दोबारा ऊपर पुश करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस है। ये जहन में आपने रखना है, क्लोज ग्रिप पे लगाएंगे और हम इसे ये स्मिथ मशीन, क्योंकि ये हमारा बैलेंस बना के रखेगी, हम इस पे करेंगे। और ये जो हमने ग्रिप लेनी है वो 18 इंच पर हो, यानी कि सेंटर में 18 इंच का आपके फासला हो। वो बेशक आप मैनेजमेंट मेजरमेंट से इसे नाप सकते हैं, या अगर आपको अंदाज़ा है कि 18 इंच कितना है तो आप उस पर आपने इसको ग्रिप करना है। इसके हमारे ओनली 2 सेट्स हैं, रैप्स होंगी 12 to 15, 2 सेट 12 से 15 रैप्स।
अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो केबल क्रॉस है। केबल क्रॉस हम करेंगे और केबल क्रॉस के हमारे सेट्स होंगे 3 और रैप्स होंगी 20, 3 सेट 20 रैप्स। अच्छा, इसमें आपने जिस तरह हम परफॉर्म करें बिल्कुल उसी तरह आपने परफॉर्म करना है। लोग बहुत ज़्यादा हाथ पीछे ले जाते हैं जिसकी वजह से टेंशन शोल्डर पे आती है, ये नहीं आने देनी। जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं ये आपने वैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी एक्सरसाइज है स्टफ आर्म बारबल पुलावर। अच्छा, ये पुलावर जरा चेंज है, इसे आपने देखना है। इसके हमारे ओनली 2 सेट्स हैं और रेप्स हम करेंगे 8 to 12। जी तो व्यूवर्स, मौसम बहुत ही अच्छा है और आज का हमने आपसे वर्कआउट शेयर किया। वर्कआउट आपसे तमाम हम शेयर कर चुके हैं। आज जो हमारा मसल्स था वो चेस्ट था। चेस्ट मोस्टली लोगों का फेवरेट मसल्स होता है। आज हमने जो आपसे चेस्ट शेयर किया था, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने उसकी इनर साइड को फोकस किया था और डिफरेंट वर्कआउट था। अगर आप इसको इसी पोजीशन से लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, आज हमने वर्कआउट के बाद जो हमने वर्कआउट की वीडियो आपके साथ शेयर की, उसके बाद हमने फोर आर्म्स को ट्रेन किया जो हम बताते हैं, हम डेली करते हैं। अच्छा, आज हमने एब्स को, अपने एब्स को और एब्डोमिनल को हमने स्किप किया है और उस जो हमारा वॉक और जॉग रनिंग है वो हमने कार्डियो बिल्कुल किया, वो हम स्किप नहीं करते। देखें, आप वीक में अगर 3 डेज भी एब्स कर रहे हैं तो इनफ है। हर अल्टरनेट डेज में, यानी कि एक दिन आप एब्स करें और एक दिन आप स्किप कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, जो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो यही थी कि मोस्टली लोग जो जिम करते हैं ना उसे एक तरह से ड्यूटी बनाते हैं। तो आपने देखें, ड्यूटी नहीं बनाना है, आपने जिम को एंजॉय करना है। अब आपने एंजॉय कैसे करना है, यानी कि आप जो भी मसल्स आप कर रहे हैं आप उसमें अपने आप को अजियत नहीं दें, आप स्लोली ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, अपनी एक्सरसाइज में इम्प्रूवमेंट लाएं। अच्छा देखें, एंजॉय करने का मकसद ये नहीं है कि आप जिम में बिल्कुल हेलो हाय ज़रूर करें, सलाम दुआ करें, दोस्ती करें, लेकिन ड्यूरिंग द वर्कआउट आपने किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी। अच्छा, ज़्यादा बात किस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि आप अगर एक्सरसाइज अपनी कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द वर्कआउट आपका जो टाइम है, यानी कि ये बहुत लोग समझते नहीं है, अगर आपकी एक्सरसाइज के दौरान होता है 45 सेकंड का जो ब्रेक होता है तो वो आपने वही ब्रेक देना होता है, उससे ज़्यादा आपने ब्रेक नहीं देना होता। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो जाहिर बात है कि आपका ब्रेक बढ़ जाता है। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं कि ड्यूरिंग द वर्कआउट ही अपनी स्नैपचैट या जो भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, टाइम उनका इसमें वेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात कि आपकी एक्सरसाइज की जो रूटीन है वो ख़राब होती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि आपने जिम को या जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको आपने इंजॉय करना है, आपने उसको अपने सर पर सवार नहीं करना।
देखिए, जब आपका रेस्ट कंप्लीट नहीं है, आपका रेस्ट पूरा नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप मिनिमम 5 आवर्स रात की नींद. देखिए, रात की नींद और दिन की नींद में बहुत डिफरेंस है. तो ये आपने देखा, रात की नींद मिनिमम 5 आवर्स और मैक्सिमम 7-8 आवर्स आपने लेनी है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कर पाएंगे और आपकी बॉडी मसल्स रिकवरी भी बहुत जल्दी और अच्छी होगी. अच्छा, जो मेन आपसे चीज़ डिस्कस करनी थी वो यही थी कि देखें, आप जिम में जब आते हैं तो आप जिम को इंजॉय करें. आप जिम को अपनी ड्यूटी या ऐसा अपने ऊपर नहीं सवार करें जैसा किसी टाइम पे हम लोग स्कूल को सवार करते थे कि दूसरे दिन सुबह स्कूल जाना है और ये हमारे सब्जेक्ट है, इसका टेस्ट है. ऐसे नहीं करना, आपने इसे इंजॉय करना है. कैसे? कि आप जिम जाएं, आप एक अच्छे माहौल में जा रहे हैं, आप अपनी एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसे एंजॉय करें. इसका मतलब मेरे कहने का सब ये नहीं है एंजॉय कि आपने वहाँ इतनी दोस्तियाँ कर ली कि ड्यूरिंग द वर्कआउट आप उनके साथ लगे हुए और आप अपने वर्कआउट को ख़राब कर रहे हैं. यानी कि जब आपको हम एक एक्सरसाइज बताते हैं, हम उसमें एक सेट से दूसरे सेट के बीच का गैप भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इसमें 30 सेकंड या 35 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आपने दोबारा वो एंगल परफॉर्म करना है. अगर आप बातों में लग जाएंगे, सोशल मीडिया पे, स्नैपचैट, मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप पिक्चर लेने में लग जाएंगे, तो आप अपने वर्कआउट को उस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो रिज़ल्ट भी आपको वैसा नहीं मिलेगा. तो ये जो हम आपको टिप्स देते हैं, देखें, मेरा मकसद यही होता है कि मैं आपसे जो बात करूं उसमें मैं आपको यही चाहता हूं कि हर व्लॉग में मैं आपको कोई अच्छी टिप्स दूं. तो आज इस टिप्स के लिए ही मैंने ये सोचा था कि मैं आपसे ड्यूरिंग द आफ्टर द वर्कआउट मैं आपसे डिस्कस करूंगा. और यही आज का मेरा मैसेज था कि आप ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूं, आप इसी तरह से परफॉर्म करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा. और हम ऐसे ही नई टिप्स और नेचुरल आपको जो भी चीज़ें होती हैं, डाइट्स वगैरह, वो हम आपको बताते रहेंगे. अपने भाई RKJ को दुआओं में याद रखिएगा. नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगे. अस्सलामुअलैकुम.